हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRCTC से रिलेटेड। तो थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा किस चीज़ से रिलेटेड ये वीडियो है, तो IRCTC से। तो इसी से रिलेटेड बातें करने वाले हैं और बताने वाला हूँ कि IRCTC में बहुत बड़ी तेज़ी आने वाली है, और ऐसी तेज़ी आने वाली है जो आपको मालामाल बनाएगी। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में अगर ये शेयर नहीं है तो समझ लीजिए फिर आप मार्केट में एग्जिस्ट करने के लिए हो ही नहीं, क्योंकि मार्केट में अगर शेयर गिरता है और आप उसे नहीं उठाते हो, ओके, और तो इसका मतलब है आप मार्केट को समझ ही नहीं पा रहे हो कि मार्केट है क्या। आप बस जिस जो सेक्टर भागता हुआ नज़र आता है आप पैसा निकालते हो, उसमें डाल देते हो, ओके, कोशिश करते हो वहाँ से गेन, बट वो ही जहाँ पर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो वो शेयर वहाँ पर इतना बढ़ चुका होता है कि आप वहाँ पर ऊपर लेवल पर फंस जाते हो और फिर आप उसमें इन्वेस्ट नहीं कर पाते। मैंने ऑलरेडी इसके रिलेटेड यहाँ पर आपको अगर देखेंगे तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी वीडियो बना के आपको बताया भी है, यहाँ पर आप देख लीजिए कि आप किस तरीके से फंसते हो कि शेयर खरीदता हूँ तो तुरंत गिर जाता है और शेयर बेचता हूँ तो ऊपर भाग जाता है। तो क्यों होता है ये, इससे रिलेटेड ऑलरेडी ये वीडियो बनाई है, इसे ज़रूर देख लीजिएगा, ऊपर लिंक दे दूंगा, ओके, ताकि आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो में हम जानते हैं कि किस चीज़ से रिलेटेड बातें और भी चीज़ें, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडिया शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, एज वेल एज यहाँ पर दो लिंक दे रखे हैं, श्री राम जी का अयोध्या में मंदिर बन रहा है, यहाँ क्लिक करें, इनकी वेबसाइट पर ले जाएगा और आप अपनी इच्छा अनुसार जो आपको श्रद्धा हो उसके हिसाब से आप दान दे सकते हो, और दान देने से हमेशा पैसा बढ़ता है, हमेशा याद रखिएगा। दूसरी बात, यहाँ पर एक और लिंक है, यहाँ क्लिक करेंगे तो आप फ्री में ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं एंजल ब्रोकिंग के साथ, जो कि नंबर वन ब्रोकिंग फर्म है और सेबी रजिस्टर्ड है। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो आपको पता ही है हम किस शेयर से रिलेटेड बातें करने वाले हैं, हम बातें करने वाले हैं IRCTC से रिलेटेड। ये IRCTC जिसने आपको अच्छे खासे ऑलरेडी, अगर हम लॉन्ग टर्म की भी बात करें, ओके, एक साल के अंदर अंदर अच्छे खासे गेन दिए हैं, बट ये जो कंसोलिडेशन फेज़ है, इस कंसोलिडेशन फेज़ में इसने कुछ नहीं किया, ओके, थोड़ा बहुत लास्ट में भागा था, पहले OFS की वजह से नहीं भाग रहा था, OFS आया, फिर उसके बाद यहाँ कोरोना की न्यूज़ आ गई तो यहाँ पर नीचे आ गया, बट ये अच्छा मौका है, इसे आप गवाइए बिल्कुल भी मत। अगर आप सोच रहे हो कि ये दोबारा 1400 के लेवल पर आएगा तब खरीदेंगे, 1300 के लेवल पर आएगा तब खरीदेंगे, तो नहीं आने वाला, और आ गया तो बाय ऑन डिप्स करिएगा ना, ओके, और यहाँ से भाग गया तो देखिए अपॉर्चुनिटी है, नीचे आ गया तो बाय ऑन डिप्स करके और थोड़ा अपनी क्वांटिटी ऐड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता ही है मोनोपोली बिजनेस है, इस बिजनेस को इंडिया में और कोई करता ही नहीं है। जितने भी पैसेंजर यहाँ पर टिकट बुक कराते हैं, कैटरिंग से रिलेटेड जो भी है, पानी जो नीर बिकता है, ओके, यहाँ पर टूरिज्म से रिलेटेड है, एज वेल एज यहाँ बात करें बसेस की भी यहाँ पर सर्विस सुविधा कर दी है, तो ये सारी की सारी IRCTC से होके ही होती है और यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर बहुत बड़ा पैसा आपका बनने वाला है। और मेरा टारगेट तो ये है, अगर किसी ने इसमें 3-4 लाख रुपए लगा रखे है ना और 10-15 साल इसे इस शेयर को दे देता है, तो वो आपको बोनस स्प्लिट इतने देगी, प्लस में एज वेल एज बात की जाए यहाँ पर ये शेयर आपको करोड़पति बना सकते हैं केवल 2-3 लाख रुपये से 10-15 साल में, तो और क्या चाहिए आपको। तो इसलिए कहता हूँ इस शेयर को खरीदिए। अगर बात करें म्यूचुअल फंड, तो यहाँ पर देखिए म्यूचुअल फंड लगभग यहाँ पर अपनी स्टॉक्स यहाँ पर आप देखिए कब की न्यूज़ है, 22-23, ओके, मतलब मार्च की न्यूज़ है, म्यूचुअल फंड इंक्रीज होल्डिंग इन IRCTC बाय 802%। तो म्यूचुअल फंड अपनी हिस्सेदारी IRCTC में बढ़ा रहे हैं, ओके, शेयर गिरा, शेयर गिरते ही साथ इन्होंने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाना शुरू कर दिया क्योंकि उन्हें पता है कि दोबारा शेयर इस लेवल पर नहीं मिलने वाला, इसलिए देखिए यहाँ पर इन्होंने खरीदना शुरू कर दिया, यहाँ पर गिर गया, ओके, और नीचे आएगा फिर खरीदेंगे वो, मुझे फिर पता है। FIIs की बात कर रहे हैं तो अच्छे खासे लेवल पे उन्होंने यहाँ पर खरीद रखा है, सब चीज़ दिखाऊंगा अभी। IRCTC से और भी रिलेटेड न्यूज़ बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोटक सिक्योरिटी ने 2 दिन पहले ही बताया IRCTC का टारगेट 1780, बट ये 1780 को भूल जाइए, लॉन्ग टर्म का गेम है ये, IRCTC आपको करोड़पति बनाने वाला स्टॉक है, लेके भूल जाओ, और जिसे कहते हैं ना सिट बैक एंड मतलब होल्ड करके रखो और आराम से रिलैक्स करके यहाँ पर बैठो, आपको कोई परेशानी नहीं है। यहाँ पर बात करें तो 3 दिन पहले ही न्यूज़ आई है, आज से गोड्डा में दौड़ेगी ट्रेन, रेल मंत्री पीयूष गोयल करेंगे उद्घाटन, देखिए यहाँ पर ये ट्रेन का उद्घाटन यहाँ भागेगी, ये बीच में दुरंतो वगैरह शताब्दी यहाँ पर बंद कर दी थी, दोबारा से रिज्यूम कर दिया, यहाँ पर देखिए सर्विस ऑफ शताब्दी दुरंतो एक्सप्रेस फ्रॉम April 10, ओके, रिज्यूम होने वाली है, यहाँ पर सर्विस दोबारा चालू होने वाली है, भूल जाइए कोरोना, ओके, आप सोच रहे कि कोरोना की वजह
ये सब चीज़ अब बंद हो जाएगा, बिल्कुल नहीं बंद होने वाला, क्योंकि यहाँ पर इस बार लॉकडाउन लगाया बंद किया, ओके दो चार दिन की छोड़िए बट लंबे टाइम के लिए लगाया ना, तो ऑब्वियसली बात है हमारी अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी और नहीं होने वाला। वैक्सीनेशन की अच्छी खासी स्पीड पे अभी इंडिया में चल रहा है, ओके अच्छी खासी डोजेज लग रही है ऑल अराउंड द इंडिया, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बहुत ही अच्छा बेहतरीन शेयर नज़र आ रहा है। बात करें ये कंपनी देखिए 10 के फेस वैल्यू पे है, तो कभी भी स्प्लिट देगी अगर बात करें, यहाँ पर स्प्लिट तो देगी यहाँ पर। और सरकारी कंपनी आपको पता ही है बोनस और स्प्लिट किस तरीके से देती है, एज वेल एज अगर बात करें यहाँ डिविडेंड, कंपनी दो दो बार डिविडेंड दे रही है। ओके यहाँ पर अपडेट भी देख ले तो यहाँ एक्सचेंज रिगार्डिंग टेम्परेरी डिसकंटिन्यूटी ऑफ द सर्विस IRCTC, तो यहाँ पर जो भी मतलब एक बीच में ट्रेन बंद हुई थी तो उससे रिलेटेड यहाँ पर न्यूज़ है, बट दूसरी ट्रेनें और यहाँ पर चल ले रही है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और अगर हम बात करें यहाँ पर IRCTC से रिलेटेड, तो डेट फ्री कंपनी है, कोई कर्जा नहीं है, तो कोई इंटरेस्ट नहीं देना, कोई परेशानी नहीं है, एक साल भी बंद रहेगी कोई टेंशन नहीं है। ROCE की बात करें 62 के ROCE पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। और यहाँ पर फाइनेंशियल्स भी अगर हम देख लेते हैं ना, तो यहाँ पर फाइनेंशियल देख लीजिए ईयर ऑन ईयर बेसिस यहाँ ओके अच्छी खासी जंपी है, बट इस क्वार्टर में देखिए यहाँ पर इम्पैक्ट था, बट दोबारा से इम्पैक्ट खत्म होने वाला है, ट्रेनें चालू हो रही है और ट्रेनें चालू होगी डेफिनेटली ये शेयर भागेगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें यहाँ पर देखिए प्रॉफिट हमेशा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, बस कोविड को छोड़ दीजिए, ये डेटा छोड़ दीजिए, इससे पहले देखिए यहाँ पर कंसिस्टेंसी थी इसमें, प्रॉफिट में कंसिस्टेंसी थी, रेवेन्यू में कंसिस्टेंसी थी, नेट प्रॉफिट में, ओके तो आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। ये तो अपॉर्चुनिटी है, अपॉर्चुनिटी मींस मौका, इस मौके को गवाना नहीं है, हमें पकड़ के चलना है। रिजर्व्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए 424 करोड़ के रिजर्व्स, 1177 करोड़ के रिजर्व्स 5 साल में बन गए हैं। बोरिंग की बात करें तो यहाँ पर देखिए कोई भी मतलब कोई भी कंपनी ने कर्जा नहीं ले रखा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई कंपनी कोई इंटरेस्ट भी पे नहीं कर रही है, 1 करोड़ रुपये का इंटरेस्ट पे कर रही होगी, किसी चीज़ से रिलेटेड कर रही होगी, बट उसे आप छोड़ दीजिए, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। ओके एज वेल एज यहाँ पर बात करें अगर और भी चीज़ की, यहाँ पर देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो देखिए यहाँ पर OFS आ गया था, OFS आने के बाद सब कुछ ठीक हो गया है। लेटेस्ट यहाँ पर आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखाई दे रहा है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब गवर्नमेंट के पास 67.4% के शेयर है, FIIs के पास बात करें तो यहाँ पर 8.17% की हिस्सेदारी है, थोड़ी सी इन्होंने स्लाइटली कम करी है, बट कोई इशू नहीं है, दोबारा ये बढ़ा लेंगे जब ये चाहेंगे। बट DIS की बात करें तो आपको देखिए म्यूचुअल फंड निप्पॉन लाइफ इंडिया, ओके इन्होंने अपनी हिस्सेदारी यहाँ बढ़ ली, पहले कितनी थी 7.67, ओके इस क्वार्टर में इन्होंने कितनी बढ़ा ली, अगर म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर हिस्सेदारी बढ़ा ली है, निप्पॉन लाइफ ने यहाँ पर 1.77, अगर आदित्य बिरला की बात करें तो 1.23, LIC की बात करें 1.12, ओके HDFC ने अपनी हिस्सेदारी यहाँ पर ट्रस्ट ने यहाँ पर बेचती हुई नजर, तो यहां पर देखिए पब्लिक ने भी कम कर दिया है जस्ट बिकॉज ऑफ फियर, बट कम करने की जगह यहां पर बढ़ाना सीखो, जब ये बढ़ेगा ओके इस मौके का फायदा उठाओगे तभी यहां पर पैसा बनता हुआ नजर आएगा। यहां पर आप देख सकते हो निप्पॉन लाइफ यहां पर इंडिया, इसका यहां पर आप देख सकते हैं IRCTC 1.77 कब, मार्च 2021 मतलब इस क्वार्टर में यहां पर इन्होंने खरीदी है। एज वेल एज बात की जाए आदित्य बिरला, यहाँ पर देख सकते हैं इस क्वार्टर में मतलब इनके पास पहले ही क्वार्टर में इन्होंने खरीद ली थी, बस स्लाइटली 0.02% की हिस्सेदारी कम करी है। LIC की बात करें तो LIC भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, LIC ने यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है शायद, बट यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो LIC ने 1.12% की हिस्सेदारी यहाँ पर खरीदी है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको होल्ड करने की ज़रूरत है, आपको बाय ऑन डिप्स करने की ज़रूरत है, और नीचे आता है ये शेयर तो आपको ये अच्छा खासा गेन, पॉजिटिव न्यूज़, ओके एक बार इनके सारे बिजनेस शुरू हुए, रिज्यूम हुए दोबारा, तो ये भागती हुई नज़र आएगी एंड फिर दोबारा आप उस शेयर को खरीदोगे कहाँ पर, टॉप लेवल पर खरीदोगे, फिर फंस जाओगे, फिर कहोगे कि ये शेयर बढ़ नहीं रहा, शेयर मार्केट बेकार है। तो हमें जब नीचे आती है ना तब हमें खरीदना होता है, तब मार्केट में आपका पैसा बनता हुआ नज़र आएगा। बात करें यहाँ पर सपोर्ट लेवल की, देखिए बार बार ये जो IRCTC है इस सपोर्ट लेवल पर ना, इस सपोर्ट लेवल पर बार बार आ रही है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया, ओके इसके पहले यहाँ पर सपोर्ट लिया था, इससे यहाँ पर बात करें तो दो तीन दिन लगातार यहाँ पर सपोर्ट लिया, इससे पहले भी यहाँ पर सपोर्ट लिया, तो ये बार बार यहाँ पर ही सपोर्ट ले रही है, और इस तरीके के बार बार यहाँ पर सपोर्ट लेवल है इसका, और ये सपोर्ट लेवल है, तो इस वजह से यहाँ पर जब ये भागना शुरू होगा, ये लॉकडाउन वगैरह की ये खबर एक बार ख़त्म हुई, ओके ये शेयर भागना शुरू
कंटिन्यू करेगा जो इसका प्रीवियस टारगेट था। अगर हम बात करें इसके प्रीवियस टारगेट की, तो यहाँ पर देख लीजिए इसका प्रीवियस टारगेट क्या था, ये 2000 के लगभग ये शेयर गया था, 2050 रुपीज़ के आसपास, और इसके बाद ये फिर दोबारा भागता हुआ नजर आएगा, ये पकड़ में नहीं आ रहा है, एक बार बिजनेस रिज्यूम जब इसका होता हुआ नजर आएगा। तो इसलिए ऐसे शेयर को जब बाय गिरता है आपको अच्छा मौका है, जिन्होंने यहाँ पर खरीदा है उन्हें बाय ऑन डिप्स करने का मौका है, ओके, और जिन्होंने के पास नहीं है वहाँ पर खरीदने का मौका है। ये शेयर आपको मिलेनियर बना देगा मेरे अकॉर्डिंग, अगर आप कुछ अच्छा खासी अमाउंट इसमें डाल के रखते हो IRCTC में। तो बाकी आपकी इच्छा है, जस्ट बिकॉज ऑफ नॉलेज, नॉलेजेबल वीडियो है, आपको कुछ न्यूज़ थी आपको बताया, म्यूचुअल फंड ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, इससे रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता था, और कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, बस सिंपल बताना था। और बाकी कोई भी बाइंग सेलिंग से रिलेटेड कुछ भी हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिए, खुद की स्टडी करिए, खुद के डिसीजन पे स्टिक रहिए, तभी आप मार्केट में पैसा कमा पाएंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, बाकी हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि इस तरीके की वीडियो आपके पास डेली बेसिस पर लाते रहे, और दूसरे लोगों को भी हमारे चैनल से साथ कनेक्ट करें। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।